हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आपका जो यहाँ पे डिवाइस रहता है ओप्पो का, इसके अंदर यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, और किस तरीके से आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट को फाइंड कर पाएंगे। तो सिंपली फ्रेंड, ब्लैक लिस्ट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जो है, यहाँ पे आने के बाद फ़ोन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। ब्लैक लिस्ट को फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जो है, ब्लैक लिस्ट को कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो सिंपली ब्लैक लिस्ट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स को क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही जो मेरे सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो ब्लैक लिस्ट को मुझे यहाँ पे सिंपली फ्रेंड्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे ब्लॉक नंबर है, यही मेरा यहाँ पे ब्लैक लिस्ट देखने को मिल जाता है। तो आप अपने ब्लॉक नंबर को यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट को मैं क्लिक करता हूँ, जो कि मेरा ब्लॉक नंबर है, यही मेरा ब्लैक लिस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ब्लैक लिस्ट को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरह से आप ब्लैक लिस्ट को यहाँ पे देख पाएंगे, तो आपको ब्लैक लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस तरह से आप अपने ब्लैक लिस्ट को फाइंड कर सकते हैं आप अपने यहाँ पे मोबाइल के अंदर, ओप्पो के मोबाइल के अंदर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।